आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? आपने आपका फर्ज अच्छे से निभाया है, अभी जो भी होगा ना वो अच्छा ही होगा। गणपति पापा है ना, आलिया बोलिए बोलिए, सेक्रेटरी साहब बोलिए। अरे आत्माराम, पूरी दुनिया में सेक्रेटरी तो एक ही है, वो है आत्माराम दुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अरे मुझे लगा तुम एकदम टेंशन में होंगे, तुम तो एकदम मस्त हंस रहे हो। मैं क्यों टेंशन में होऊंगा? तुम्हारी सोसाइटी में कोरोना पॉजिटिव केस आया ना? नहीं, कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है उपेश भाई, दरअसल जो अब्दुल है ना उसको कोरोना के लक्षण है, मतलब बुखार है, खांसी है। ओह अच्छा अच्छा, बाकी सब तो ठीक है ना? किसी को खांसी या बुखार तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ है उपेश भाई, वो अब्दुल को हमने हमारे क्लब हाउस में क्वारंटाइन कर दिया है और हम सब भी अपने अपने घर में क्वारंटाइन है। मैं तो सबका फोन। अच्छा उपेश भाई कुछ अर्जेंट है क्या? मुझे दूसरा कॉल आ रहा है। नहीं नहीं, बस तबियत पूछने के लिए फोन किया था। अच्छा अच्छा, और हाँ भाई रिपोर्ट आए तो बताना जरूर। हाँ हाँ, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ ओके। हाँ बोलिए मेहता साहब। यार भिड़े क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है यार, और कल क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी क्या बोल सकते हैं मेहता साहब, कल जब वो महानगर पालिका वाले रिपोर्ट लेके आएंगे तो पता चल ही जाएगा। सोसाइटी में सब परेशान होंगे ना भिड़े। अरे मैं खुद परेशान हूँ मेहता साहब। क्या लगता है भिड़े, किसी को कोरोना होगा तो नहीं ना अपनी सोसाइटी में? तो अभी कल सबकी रिपोर्ट आएगी तो पता चल ही जाएगा। सही कह रहे हो भाई, चलो अपना ध्यान रखना भिड़े। हाँ हाँ, आप भी ध्यान रखना। हाँ हाँ। तारक आप इतना टेंशन मत लीजिए, आप देखना सबकी रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आएंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो अंजलि, लेकिन तुम्हें तो पता है ना वायरस कितना खतरनाक है, पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है इसकी वजह से, आने क्या होगा हम सबका। अरे हमेशा सकारात्मक सोचने वाले मेरे तारक को आज क्या हो गया? अंजलि मैं सकारात्मक सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, सोचता भी हूँ, लेकिन करूँ क्या, ऐसे विचार स्वतः ही आ रहे हैं। तुमने सोचा था कि ये सब कुछ होगा है? हम लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और बेचारा अब्दुल अपनी दुकान बंद करके, उसका काम धंधा बंद करके रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। तारक आप कितना सोचते हैं? एक्चुअली मैं लेखक हूँ, सोचना मेरा काम है, सोचूंगा नहीं तो काम कैसे चलेगा मेरा। मेरा मतलब है आप कोरोना के बारे में कितना सोच रहे हैं। अच्छा आप वो सब सोचना बंद कीजिए और एक उंगली चुनिए। पर ये क्या बचपना है अंजलि। हाँ हाँ बचपना है, आप जल्दी से चुनिए पहले। ठीक है भाई। देखा, भगवान जी भी चाहते हैं कि किसी को कुछ नहीं होगा, सबके रिपोर्ट नॉर्मल आएंगे। अंजलि तुम भी, ये उंगली खींचने से अगर सारे फैसले हो जाते तो बात ही क्या थी, ऐसे उंगली उंगली खींचने से कुछ नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता है। पता चलता है। चलिए इसी बात पे मैं आपके लिए मसाला चाय लेकर आती हूँ। आई अप्रिशिएट अंजलि, लेकिन आज ये फैतरे काम नहीं करेंगे मुझ पे। चाहे तुम मसाले वाली चाय पिला दो या फिर मुझे खाना खिला दो मसाले वाला, लेकिन कल जब तक सबकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आ जाती अंजलि, तब तक मेरा मूड ठीक नहीं होगा। ए भाई बैठ जाना एक जगह शांति से। अरे वही पाछो। बापू जी मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, हम में से किसी को कोरोना निकला तो तेरे ऐसे चक्कर काटने से टेंशन क्या कम हो जाएगा, बैठ जाना भाई। जेब से गिर गया। बाका का फोन? बाका क्यों फोन कर रहा है? कहीं इसको भी तो क्या कुछ भी सोच रहा है क्या? फोन उठा बात। हाँ बोल बाका। हाँ सेठ जी कैसे हो? हाँ मजे में हूँ, बोल। कितने मजे में है? कितने मजे में? अरे मजे का कोई मापदंड थोड़ी होता है बाका, कि आज मैं आधा किलो मजे में हूँ, आज 5 किलो मजे में हूँ, मजा मजा होता है भाई। बोल ना भाई फोन क्यों किया? फिर भी अभी आप जितने मजे में हो उससे डबल मजा करवाने का इंतजाम किया है मैंने। क्या मतलब? मतलब ये कि अपने हाथों से मैंने खास चूरमे के लड्डू बनाए हैं, जिसे खाने के बाद आप एकदम खुशम खुश हो जाओगे। मैं अभी आपको देने आ रहा हूँ। नहीं नहीं भाई तू यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? वो भीड़ ने सोसाइटी गेट पे ताला मार दिया और वो
महानगर पालिका वाले भी एक बार उधर बोर्ड लगा के गए कि बाहर का कोई आदमी सोसाइटी में अंदर नहीं आ सकता और सोसाइटी का कोई आदमी अंदर से बाहर नहीं जा सकता। अरे बाप रे, किसे कोरोना हो गया? नहीं हुआ नहीं है, लेकिन शायद अब्दुल को होने की शंका है। अरे बाप रे, तो अब वो महानगर पालिका वाले सबका टेस्टिंग करके गए, अभी कल रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा किसको कोरोना है और किसको नहीं है। और क्या? हेलो, अरे हेलो बागा, कुछ अजीब आवाज आ रही है, चल फोन रखता हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं रो रहा हूँ। मैं रो रहा हूँ। क्यों सेठ जी, अगर आपको कोरोना हो गया तो फिर मेरा और नट्टू काका का क्या होगा? क्या बोल रहे तू? क्या हुआ, क्या बोल रहा है? अरे कुछ भी बोल रहा है ये। लेकिन क्या बोल कह रहा है? अरे बोल रहा है कि सेठ जी, अगर आपको कोरोना हो गया तो मेरा और नट्टू काका का क्या होगा? फोन मुझे दे। हाँ बोलो, जरा उसको बोलो, ये क्या बात कर रहा है ऐसे? हेलो बागा बेटा, देख ऐसा नहीं बोलते हैं। कोरोना कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोरोना हो गया तो जीवन खत्म। अरे कितने लोग ठीक होकर इसमें से बाहर आए, और तू अभी रोना मत है? जी जा, रखता हूँ। बागा भी ना, एक तो यहाँ इतना टेंशन है, ऊपर से ऐसी मनोज बातें करता है। दादाजी। क्या हुआ बेटा? दादाजी मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। किस बात का? पता नहीं कल क्या रिपोर्ट्स आएंगे। हाँ बेटा, मुझे भी उसी बात का टेंशन हो रहा है कब से। देखो तुम लोग टेंशन मत लो, भगवान से प्रार्थना करो तो बस भगवान का ही सहारा है। बबीता, मैं क्या कह रहा था? बबीता, बबीता, व्हाट हैपेंड? तुम इतना टेंशन में क्यों है? वो एक्चुअली मैं हमारे टेस्ट के बारे में सोच रही थी। हमने टेस्ट तो करवा लिए पर पता नहीं रिपोर्ट्स क्या आएंगे। बबीता थोड़ा टेंशन तो मेरे को भी है, बट डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। आई नो दैट, बट क्या पता अगर गलती से भी सोसाइटी में कोई भी कोरोना पॉजिटिव हो गया तो। जल्दी से ये कोरोना का वैक्सीन मिल जाए और पूरा दुनिया कोरोना फ्री हो जाए। ओए अब्दुल, और देखो कौन आया है। ये कितने गया? अब्दुल, ओ यार ये फिर से भाग तो नहीं गया अब्दुल? अरे सॉरी भाई, मैं यहाँ पर हूँ। यार तूने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा तू फिर से भाग गया। अरे नहीं सॉरी भाई, हाथ मुंह धोने के लिए गया था। चला, मैं तेरे लिए खाना लाया हूँ, अच्छे से खा लेना। सोड़ी भाई, आप मेरे लिए खाना लाए? थैंक यू। तो थैंक यू किस बात का? गोकुलधाम परिवार का हिस्सा है तू, और मेरी गोकुलधाम सोसाइटी मिनी इंडिया है। ए, तूने सही गल कही, यहाँ पे एक की परेशानी सबकी परेशानी हो जाती है। हाँ। सोड़ी भाई, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? ओए कुछ नहीं होगा, वो सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाना है। वो सबकी जिंदगी की गड्डी टॉप गियर में दौड़ने लगेगी, सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा और तेरी सोडा शॉप खुल जाएगी। पहले जैसे हम सब इकट्ठे होके तेरी सोडा शॉप पे सोडा पार्टी करेंगे। वो कहते हैं ना कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सौ दुख कैसा पाए। ओए वाहेगुरु जी सब चंगा करेंगे, तू फिक्र ना कर, तू रोटी खा, बेफिक्र होके सो जा। और सुबह जब तेरी रिपोर्ट आएगी ना तो उसमें कुछ नहीं निकलना, कुछ नहीं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ओए ऐसे ही होगा, तू शांति से खाना खा। और रोशन भी ना मेरे लिए खाने पे इंतजार कर रही है, मैं चलता हूँ। और सुन, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बस एक फोन कर दे, ये रोशन सिंह सोडी की इमरजेंसी सेवा तेरे लिए 24/7 अवेलेबल है। रब रखा। थैंक यू सोडी भाई। पापा, हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या बेटा? देखो पापा, मैंने अभी कोविड-19 के सिम्टम्स नेट पे सर्च किए तो मुझे पूरे लिस्ट दिखाई दिया।
तो उसमें से तो ना तो हमें बुखार है ना हमें सर्दी है और हमारी तो ब्रीदिंग भी नॉर्मल है। Exactly. मैं यही पूछने वाली थी हंस, पूरी सोसाइटी में अब्दुल भाई के अलावा किसी को भी कोरोना के सिम्टम्स नहीं है तो हमें तो रिलैक्स रहना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, हम क्यों रिपोर्ट्स का टेंशन ले। ऐसी बात नहीं है बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है कि अब्दुल को कोरोना हमारे किसी सोसाइटी मेंबर से ही हुआ हो। पापा मैं वही बोल रहा हूँ, हमें जब सिम्टम्स है ही नहीं तो हम इन्फेक्शन पास कैसे करेंगे। बेटा इसे एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, जिसे कोई लक्षण नहीं दिखाई देते पर फिर भी बॉडी में वायरस होता है और इससे हम किसी और को भी संक्रमित कर सकते हैं। एक बात याद रखना, जब कोरोना वायरस होता है तो एक हफ्ते तक पता नहीं चलता कि बॉडी में दुश्मन एंटर हो चुका है। अच्छा ऐसा होता है? और जब एक हफ्ते के बाद जब ये वायरस हमारे इम्यूनिटी की दीवार को तोड़ देता है, असली वॉर तो तब जाके शुरू होती है। मोबाइल में तो कई सारे सिम्टम्स दिखाए भी नहीं है, जैसे चेस्ट में पेन होना और फिर ठीक से बोल नहीं पाना, ठीक से चल नहीं पाना या फिर अचानक से डायरिया हो जाना, ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं। पॉइंट, तो फिर अच्छा हुआ कि हम सब ने टेस्ट करवा लिया। हाँ हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि पूरी सोसाइटी ने साथ दिया और किसी ने मना नहीं किया। जनरली ऐसे में क्या होता है कि पेशेंट डर जाते हैं और टेस्ट करवाने से मना कर देते हैं और जब करवाते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। राइट पापा, वो कहते हैं ना एनीथिंग दैट हैपेंस हैपेंस फॉर अ रीजन। सही बात है, ये तो अच्छा हुआ कि सबने टेस्ट करा लिए। अब रिपोर्ट में अगर किसी को कोरोना या उसके कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो उसका तुरंत हम इलाज कर सकते हैं। बस अब जल्दी से कल सुबह सबके रिपोर्ट्स आ जाए। रखना सबसे ज्यादा ध्यान, संक्रमण से रहे सुरक्षित पूरा ही परिवार, विषाणु की कड़ी तोड़ दे रुके रोग।
अरे सुनिए सुनिए गोकुलधाम वासियों सुनिए, जरा बाहर आइए, अपने बालकनी में आइए, घर से बाहर आइए प्लीज। जेठालाल, टोड़ी, हाथी भाई, माधवी, मेहता साहब, चंपक चाचा, पोपटलाल, आइए जरा बाहर आइए प्लीज, बाहर आइए जरा प्लीज, सब बाहर आइए। अब्दुल आ गया। देखिए हमारे कोरोना के रिपोर्ट्स आ चुके हैं, इनके पास है, अभी वो बताएंगे एक एक करके किसका क्या रिपोर्ट है। रोशन सिंह सोडी नेगेटिव। वाह। रोशन कौर सोडी नेगेटिव। गुरुचरण सिंह सोडी नेगेटिव। आत्माराम तुकाराम भिडे नेगेटिव। माधवी निगेटिव है, निगेटिव मैं निगेटिव। आहो क्या हुआ बेटे मास्टर? नहीं नहीं खुशी के मारे, खुशी के मारे माले भाई। आई एम निगेटिव, मैं निगेटिव। अच्छा 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 तो ठीक है। माधवी आत्माराम भिड़े नेगेटिव। कांग्रेस सोनाली का आत्माराम भिड़े नेगेटिव। दोस्तों बहुत ही विकट समय से गुजर रहे हैं, विज्ञान की इतनी तरक्की के बावजूद अब तक हम कोरोना जैसी महामारी का कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। समय बड़ा मुश्किल है, विकट है, लेकिन बीत जाए। और जब तक इस महामारी का कोई इलाज नहीं मिलता तब तक आपको और हमें एक ही चीज बरतनी है, वो है सावधानी। सावधान रहिए, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। और यदि कोरोना का कोई लक्षण आप में नजर आते हैं तो हम गोकुलधाम निवासियों की तरह जांच करवाइए, डरिए मत, जांच कराना बेहद आवश्यक है। मन से मजबूत रहिए तो हम इस बीमारी से, इस महामारी से लड़ लेंगे। हमारा एक ही भाव है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। तो हम पूरे विश्व को परिवार मानते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि इस विश्व में किसी को ये बीमारी न हो। यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में हम गोकुलधाम निवासियों में आधों की रिपोर्ट्स आ गई हैं जो कि नेगेटिव है, खुशी की बात है, और आधों की रिपोर्ट्स का अभी इंतजार है। ईश्वर करे सभी नेगेटिव हो। क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता नेगेटिव। अंजलि तारक मेहता नेगेटिव। वायरस मर जाएगा अंदर डैड। देखो मेरे एटीएम स्पेशल काहे का कमाल। मिसेस बबीता अय्यर नेगेटिव। मिस्टर अब्दुल